सरोकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल कार्यक्रम होगा लखीमपुर से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोला उपचुनाव को लेकर जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। गोला क्षेत्र के ममरी में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल कार्यक्रम होगा। गोला उपचुनाव को लेकर जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। आजम खान को 3 साल की सजा, रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान को अग्रिम जमानत मिल गई है। एमपीएमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है, बड़ी खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं। आजम खान को 3 साल की सजा, रामपुर से बड़ी खबर। आजम खान पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। आजम खान को अग्रिम जमानत मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपीएमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है, रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, रामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वही अब आजम खान को अग्रिम जमानत मिल गई है, साथ ही आजम खान पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। आजम खान को अग्रिम जमानत मिल गई है, बता दें एमपीएमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। बता दें 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक हेट स्पीच का मामला 2019 में दर्ज हुआ था, कोर्ट ने आजम खान को 3 धाराओं में हिरासत में लिया था। आजम खान को अग्रिम जमानत मिल गई है, एमपीएमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। बता देंगे 2019 के भड़काऊ भाषण में दोषी करार दिया गया था। रामपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया था, जिसके बाद बता दें एमपीएमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है आजम खान को। वहीं 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 2019 में भड़काऊ भाषण में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि हेट स्पीच का मामला 2019 में दर्ज हुआ था, कोर्ट ने आजम खान को 3 धाराओं में हिरासत में लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सागर थापा का। सागर, आजम खान को अग्रिम जमानत मिल गई है। जी मयूरी, आपको बता दूं कि आज समाजवादी पार्टी के लिए काफी बुरा दिन साबित हो सकता था, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं आजम खान, उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और उसके साथ ही 25,000 का जुर्माना भी तय किया गया था। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि आजम खान को अग्रिम जमानत दे दी गई है, और आपको बता दूं कि पिछले 27 महीनों से वो अलग अलग धाराओं में लगभग 80 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, तो 27 महीनों से अलग अलग जिलों के कोर्ट में, अलग अलग जिलों के कारागार में बंद थे, और उनके बाद अभी हाल ही में वो 20 मई 2022 को रिहा हुआ है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। और आपको आज बता दूं कि आज की बात है तो आज पिछले 21 अक्टूबर को वो कोर्ट में शामिल नहीं हुए थे एमपीएमएलए कोर्ट में किसी कारणवश, तो आज उनकी सुनवाई हुई है। तो आज सुनवाई के बाद
जो है आजम खान को कोर्ट ने, MPML कोर्ट ने 3 साल की सजा का ऐलान किया गया था और 25,000 का जुर्माना किया गया था। और सबसे बड़ी बात बता दूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक प्रावधान लाया गया था कि किसी भी MPML को अगर 2 साल से अधिक सजा की होती है तो उसकी जो विधायकीय या सांसदीय है वो छीन ली जाएगी। तो आजम खान के ऊपर भी आज पूरी तरह से खतरा मंडरा था और उनके सितारे आज गर्दिश में नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा दिन भी साबित हुआ है कि उनके जो पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं आजम खान, उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई। अगर जमानत नहीं मिलती तो उनकी जाहिर सी बात है जो विधायकी है उनकी वो जानी तहती। और आजम खान बहुत ही पुराने नेता माने जाते हैं, मुलायम सिंह के साथ वो चलते थे, मुलायम सिंह के साथ उन्होंने जनता दल से जुड़ाव किया, जनता दल की शुरुआत की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे और कई कद्दावर विभाग भी उनके पास रहे। तो आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरा दिन साबित हुआ। जी जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।